और भाई आज हम लोग खेल रहे थे कॉन्करर लॉबी। वैसे तो अब हम हमेशा ही कॉन्करर लॉबी का गेम प्ले ही डालते हैं आजकल, लेकिन भाई साहब आज हमारे इस कॉन्करर लॉबी में आया हुआ था मैक्स फैरो वाला बंदा, जो कि था सीजन 17 कॉन्करर। और पूरी लॉबी में देख सकते हो भाई कॉन्करर कॉन्करर बंदे भरे पड़े हुए थे। तो आज का ये गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला, तो मेक श्योर जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो लाइक। अब आप में से बहुत सारे लोग रॉयल पास खरीदने के लिए बोल रहे थे, तो मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक कमाल के एप्लीकेशन से जिसका नाम है विंजो। तो गाइस सभी लोग को इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग यूसी और रॉयल पास खरीदना चाहते हो तो इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और मजे की बात तो यह है कि आप लोग इसे जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपए का बोनस कैश मिलेगा, जिससे कि आप लोग भाई साहब इस गेम को खेल के और अर्न कर सकते हो। और इसमें खेलना और अर्न करना बहुत ईजी है, डेली स्पिन्स में आप लोग पैसे कमा सकते हो, रॉयल पास और यहां तक कि डीजे आलोक वगैरह भी ले सकते हो फ्री फायर के करेक्टर, और पबजी वाले तो भाई रॉयल पास और यूसी भी ले सकते हो। और विदड्रॉ भी करना बहुत ईजी है, पेटीएम यूपीआई या बैंक अकाउंट किसी से भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से सब लोग डाउनलोड कर लो। तो यहां पे आप बात करते हैं भाई आज के इस वाले गेम प्ले की। तो हमारी ये कॉन्करर लॉबी में आया हुआ था भाई साहब फैरो, वो भी मैक्स आउट। अब यहां पे रितेश का जो है तो कंट्रोल सेट वगैरह नहीं था, तो यहाँ पे रितेश भैया के कारण हमको यहाँ पे बहुत दूर उतरना पड़ा। तो रितेश ने फाइनली कंट्रोल वगैरह सेट कर लिए और उसी चक्कर में हमारी लूट कुछ खास नहीं हो पाई। अब यहाँ पे सामने की तरफ कुछ बंदे थे जो कि जोन के बाहर फंसे हुए थे, तो हमें भाई उन्हें कुछ भी करके मारना था, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप आया था और ये बंदे ड्रॉप लूट के रखे हुए थे, तो हमको इनका सामान चाहिए था। ड्रॉप कर दे तो चलते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया कि ये लोग अंदर आ जाएं अंदर आ जाएं, मगर ये अंदर आ ही नहीं रहे थे जोन के, तो हमें ऐसा लगा कि ये लोग जोन के बाहर ही निकल जाएंगे। और आप लोगों ने भाई वो फैरो का किल फीड तो देखा ही होगा भाई, उस बंदे ने कितने सारे बंदे भर दिए। अब भाई साहब यहाँ पे आज का ये जो ये वाला गेम प्ले फर्स्ट वाला, इसकी एंडिंग देख के आप लोग का भाई माइंड ब्लो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ वाला सीन देखो। अब यहां पे इस बंदे को फिनिश किया मैंने, अब यहां पे बंदूकबाज और पॉल दोनों के दोनों एक साथ घुसे थे, लेकिन भाई इस बंदे के पास ग्रोजा रहती है और ये बंदा भर देता है बंदूकबाज को, लेकिन पॉल बच जाता है, उसको फिनिश नहीं कर पाता है। और हम लोग उसके बाद निकलते हैं जोन में। अब जोन में आने के बाद यहां पे चल रही थी घमासान फाइट, तो हम लोग अपनी गाड़ी ला के यहां पे रोकते हैं, और ये बंदे भाई यहाँ पे जंप कर रहे थे, तो ये फैन थे अपने, तो इन लोग से मीटअप उटअप करके इन लोग को बोलते हैं तुम लोग चले जाओ कहीं और, और ये बंदे गाड़ी लेके निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर का जो सीन होने वाला है, यहाँ पर का जो सीन होने वाला है ना गाइस, मजबूर हो जाओगे आप लोग भाई वीडियो को लाइक करने पे। अबे कुछ लूट भी नहीं पाया यार हम लोग, पता है मेरी वजह से तुम लोग। यहाँ पे स्मोक कर दिया मैंने और भाई क्या ही आराम से बच गए, मतलब आराम से तो बचे नहीं, स्मोक के कारण बचे। पॉल ने एक बंदा नॉक किया और ये भाई साहब दूसरा बंदा यहाँ पे, आप लोग कमेंट करके बताना ग्रेनेड से फिनिश हुआ मेरे या फिर M416 से, मैं देखते हैं कितने लोग बता सकते हो, ऐसे तो समझ गए होगे सब लोग। तो यहाँ पे भाई इन बंदों को मारने के बाद लेफ्ट साइड से बंदों का फायर आ रहा था साउंड का, तो हम लोग लेफ्ट साइड के साइड आते हैं और उसी टाइम पे जहाँ मैं स्मोक कर रहा हूँ उधर के साइड से एक पूरी की पूरी स्क्वाड करने वाली थी हम पे रस। और भाई अब देखो यहाँ का सीन कितना बिगड़ने वाला है। अरे भैया साइबर गॉड और व्हाट ब्रो, भाई बढ़ गया पूरा भाई साहब। यहाँ पे पॉल लेफ्ट साइड देख रहा था, राइट से भाई तीन बंदे आ गए और वो लास्ट बंदा जो मरा है लास्ट बुलेट में, भाई साहब पूछो मत, लिटरली लास्ट बुलेट में मरा है वो बंदा, नहीं तो यहाँ पे तो भाई हमारी दोनों की पेटी पक्का थी, क्योंकि मैं भी 1 SP ही बचा हुआ था। तो ये वाला क्लच आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अब वो जो फैरो वाला बंदा था, वो बंदा भाई यहाँ पे
हमें नहीं मिला, लेकिन किल फीड में उसका नाम कहीं पे आया और भाई हमें पता भी नहीं चला कि वो कब मर गया। लेकिन भाई जो लॉबी थी ना भाई, नेक्स्ट लेवल लॉबी थी। अब बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की, तो ये जो गेम प्ले है ना भाई, पागल हो जाओगे, लिटरली मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, पागल हो जाओगे। और यहाँ पे अपार्टमेंट्स तो पता ही है, कैंपर्स का इलाका, वहाँ पे जो सीन होगा ना भाई साहब, एकदम से खतरनाक वाला। अब हम यहाँ पे उतरे और एक बंदा ये जो था हरियाणवी, ये भाई ऑल पे गाली गलौज कर रहा था और बोल रहा था मेरे को जॉर्जो आके मार के दिखाओ। भाई यहाँ पे विवेक ने तो इसको एक गोली में भर दिया, लेकिन यहाँ पे इसकी एक टीममेट थी जो कि गर्ल थी, लड़की थी, देखो ये रही वो। ठीक, अब ये बॉट जैसे चल रहे भाई, अब ये जो लड़की थी ये यहाँ पे भाई हमसे बात वगैरह कर रही थी और इसके टीममेट्स हमें पीछे से आके भाई मारने वाले थे। भाई यहाँ पे क्या ही बाल बाल बचा मैं, और यहाँ विवेक जैसे हील दे रहा था ये आगे खड़ी हो गई, मुझे ऐसा लगा दो तीन मुक्का मारेगी विवेक को, विवेक भी भाई फिनिश और हम दोनों खत्म। और उसी टाइम पे इसके दूसरे टीममेट्स आ गए। अब पीछे ये जिस बंदे को नॉक किया था विवेक ने, इस बंदी ने उसको रिवाइव कर दिया, तो भाई हम लोग समझ गए कि ये सेम टीम के हैं और भाई ये बंदी भी हमको भर सकती है। तो हमने इनको बोला कि भाई अभी मारना वारना मत, नहीं तो भर देंगे। और उसी टाइम पे भाई ये प्रिया मैडम ने उठाई गन, तो मैंने इनकी पेटी डाल दी यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे एक RIP कर देना आप लोग। और गाइज हाँ, मेक श्योर आप लोग विंजो ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि भाई वहाँ से आप लोग बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और UC रॉयल पास वगैरह ले सकते हो। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके विंजो अभी के अभी डाउनलोड करो भाई साहब जल्दी से, जिन लोगों ने भी नहीं किया प्लीज जाके डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग आते हैं भाई दुनिया के सबसे बड़ी कैंपर्स के इलाके में, और यहां का सीन देखो बस तुम। भाई एक बात समझ में नहीं आई, पहले बंदे को तो मैंने नॉक किया, लेकिन ये दूसरा बंदा क्या ऊपर से गिर के नॉक हुआ, ये नॉक होके ऊपर से गिरा, मुझे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आया। गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि ये पहले से नॉक था या गिर के नॉक हो गया। भाई मुझे तो भाई एकदम से, मैं कहा ये क्या हो गया। अब यहां से हम जैसे निकल रहे थे, भाई साहब इस घर में थे तीन तीन बंदे, मतलब पता ही नहीं चला कि इस घर में बंदे। और उसी टाइम पे मैक्लारेन भी आ गई पीछे से। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपनी मैक्लारेन सेव करता हूँ और यहाँ विवेक को बोलता हूँ गाड़ी में बैठ, हम यहाँ से पहले इस हिल वाले की पेटी बनाएंगे, क्योंकि इसकी मैक्लारेन तो पूरी खत्म हो चुकी थी। अब भाई मैं तो यहाँ पे इसको बंदे को नॉक किया और नीचे एक साइड आ रहा था, उसी टाइम पे भाई बिल्डिंग वालों ने मेरे को नॉक कर दिया और मेरा जो किल था आप लोगों ने देखा वो चोरी कर लिया उन लोगों ने। भाई अब टाइम था यहाँ पे बदला लेने का, लेकिन जब हम इस वाली बिल्डिंग में आते हैं तो यहाँ पे भाई हमारे कुछ फैंस मिलते हैं जिनका बर्थडे वड्डे रहता है। तो पहले तो भाई यार मीटअप्स में मेरे को बहुत बार फैंस लोग ने ना मीटअप कर करके ना मार दिया, मतलब कि बिग फैन बोल के मार दिया। मैंने इनको बोला कि गाइज मीटअप नहीं करेंगे, ये ऑल पे बोल रहा था कि आज मेरा बर्थडे भैया हैप्पी बर्थडे बोल दो मुझे। तो मैंने इनको बोला कि यार गाइज देखो बहुत बार मुझे को मार चुके हैं, तो मैं आप लोग से टीम अप तो नहीं करूंगा, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसके बाद हम यहाँ से मैक्लारेन लेके निकल जाते हैं, इनको लाइक विश करके निकल जाते हैं। और जो दूसरी वाली बिल्डिंग में बंदे थे, घुमा के हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। अब वहां पे मुझे लगा कि उस बंदे को मैंने नॉक किया, लेकिन भाई तीसरी वाली बिल्डिंग में एक और स्क्वाड थी। भाई साहब जब तक मुझे पता चला कि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन स्क्वाड है, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। और वो बंदे को मैंने नॉक नहीं किया था, उसे मैंने डैमेज दिया, दूसरे बंदे ने नॉक किया और विवेक ने फिनिश कर दिया। अब इसमें बिल्डिंग में दो से तीन बंदे थे, तो यहाँ पे भाई इसको बंदे को मैंने नॉक किया, लेकिन ये फैन ही था आई थिंक सो, तो मैंने इस बंदे को छोड़ दिया। फिर
और सामने वाली बिल्डिंग में वही बंदे थे भाई जिनके एक बंदे को फिनिश किया था, और राइट साइड से इस बंदे ने नॉक किया किसी एक बंदे को उसी वाली बिल्डिंग पे। अब ये बंदा भाई साइबर भाई कर रहा था यहाँ पे ऑल पे। मैंने इनको बोला कि ब्रो नीचे मत आना प्लीज, आप ऊपर ही रहो, हम लोग बात कर लेंगे यहाँ से। तो ये बंदे ऊपर थे, तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आज इसका बर्थडे था, तो मैं इसको भाई हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करके हम लोग वापस इस वाली बिल्डिंग में आते हैं। अब यहाँ पर का आप सीन देखो बस, भाई अपार्टमेंट में ऐसी खतरनाक वाली कैंपिंग चलती है ना कि एक दो नहीं 3-4 स्क्वाड रहती है और कौन बंदे कहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता। अब जो हमारे फैंस थे उन्होंने एक बंदे को नॉक कर दिया इस टीम के, तो यहाँ पे एक बंदा कूद गया पीछे की साइड, मैं भी इसके पीछे पीछे कूदा, लेकिन जैसे मैंने इस बंदे पे फायर किया भाई लेफ्ट साइड वाले बंदे ने भाई भर दिया मेरे को, ये तीसरी स्क्वाड का बंदा जो बैठा हुआ था वहां पे, और इन्होंने कर दिया मेरे पे रस। भाई ये एक बंदा ही था जो अकेले भाई भरे पड़ा था। उसके बाद ये फैंस मेरे आ जाते तो यहाँ पे इन लोग से भाई हाय हेलो करते हम लोग और सीधे इन यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद भाई यहाँ पे मेरी बैटरी देख सकते हो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी, 4% बची हुई थी। तो मैंने यहाँ पे विवेक को बोला कि ऐसा कर तू ड्राइव कर और मैं चार्ज में लगा लेता हूँ, चार्ज में लगा के खेलता हूँ, ठीक है। तो चार्ज में लगा के मैंने भाई अपना ब्लूटूथ वाला कनेक्ट किया स्पीकर जिससे वॉल्यूम कम आ रही थी, और गेम किया रीस्टार्ट। और जैसे ही मैंने गेम रीस्टार्ट किया भाई वो पुराना वाला ग्लिच कि भाई अब गाड़ी से एग्जिट का बटन ही नहीं आ रहा, और यहाँ पे भाई मेरा दिमाग हो गया ख़राब। अब यहाँ पे मैं भाई ऊपर नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम तेज डाउन कर रहा हूँ, भाई कुछ नहीं हो रहा। और उसी टाइम पे विवेक को कर दिया एक बंदे ने नॉक, अब यहाँ पे एग्जिट का बटन ही नहीं आ रहा। भाई क्या ग्लिचेस हैं यार BGMI में, क्या ग्लिचेस हैं, मैं क्या बताऊँ। इतना सही मैच जा रहा था लेकिन भाई साहब इस ग्लिच के चक्कर में यहाँ पे मैं मारा जाता हूँ। और आज का गेम प्ले बस इतना ही था गाइस, तो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और भाई आप लोग ये बताना मुझे सबसे बड़ी बात कि भाई साहब वो जो कॉन्करर वाला बंदा था उस लॉबी में जो क्लच किया था वो कैसा लगा। और मेक श्योर आप लोग विंजो ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको 50 रुपये का बोनस कैश मिलेगा डाउनलोड करते ही, और उसमें बहुत ही ईजिली आप बहुत सारे गेम्स खेल के बहुत ही आसानी से बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ जल्दी से सब लोग डाउनलोड कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।